हेलो चिल्ड्रेन, आफ्टर परफॉर्मिंग फैक्टर थ्योरम, नाउ लेट अस लर्न दी एप्लीकेशंस ऑफ फैक्टर थ्योरम। बिफोर दैट लेट अस लर्न हाउ टू फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल यूजिंग द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म स्प्लिट करने का मतलब, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें से जो मिडल टर्म होती है, मीन्स एक्स के कोफिशेंट वाली टर्म, उसको स्प्लिट करना होता है। किस वे में? फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेना। वन इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व, टू इंटू सिक्स थ्री इंटू फोर, फैक्टर्स बना लेने उसके जितने भी बनते हैं। उन फैक्टर्स में से वो फैक्टर सेलेक्ट करना है आपने जिसको प्लस या माइनस करने से आपके पास मिडल वाली टर्म बन जाए। हेयर इट इज़ माइनस सेवन एक्स, तो थ्री एंड फोर को चूज करेंगे हम। माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स स्प्लिट करके लिख दिया मिडल टर्म को। अब इसमें से हमने कॉमन निकाल लेना है। फोर एक्स इज कॉमन, थ्री एक्स माइनस वन अंदर रह गया, माइनस वन कॉमन आ गया, थ्री एक्स माइनस वन, अगेन थ्री एक्स माइनस वन कॉमन आ गया। हेयर इट इज़ थ्री एक्स माइनस वन इंटू फोर एक्स माइनस वन, मीन्स दो फैक्टर्स बन गए, एक दिस वन एंड द अदर इज दिस वन। टू फैक्टर्स वी आर हैविंग। नेक्स्ट इज टू यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हैं। सबसे पहले मेथड लगाते हैं कि हिट एंड ट्रायल के साथ कोई एक फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास थ्री फैक्टर्स आएंगे। अगर डिग्री हाईएस्ट पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ कॉल्ड डिग्री, अगर डिग्री फोर है तो फोर फैक्टर्स आएंगे, फाइव है तो फाइव फैक्टर्स एंड सो ऑन, जितनी डिग्री उतने फैक्टर्स। सबसे पहले एक्स को वन पुट किया, पी में वन पुट किया, यहाँ से हमारे पास एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू की वैल्यू वन पुट करने के बाद ज़ीरो आ जाएगी। अगर ज़ीरो आ गई है तो दैट मीन्स एक्स इक्वल्स वन इज़ अ फैक्टर, एक्स इक्वल्स टू वन इज़ अ फैक्टर, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू वन इज़ अ रूट, मीन्स एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर, फैक्टर बन गया पॉलिनोमियल का। अगर फैक्टर है तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। हम डिवाइड करके देख लेंगे यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवीजन करने के बाद हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन, एंड दिस इज़ दी डिवाइज़र। हमें पता है हम कैसे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल को, एक्स माइनस वन इंटू दिस, बिकॉज वी नो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा जीरो ही बनने वाला है क्योंकि ये फैक्टर है ना इसका, तो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर हमेशा जीरो ही बन जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। एक्स माइनस वन इंटू क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक्स माइनस वन वैसे ही लिखते आएंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास ये बच गया। अब इससे फिर टू फैक्टर्स और निकलेंगे क्योंकि क्यूबिक है ना, क्यूबिक है तो थ्री फैक्टर्स, फर्स्ट निकल गया, दो इसमें से निकलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को फिर से स्प्लिट कर लिया यूजिंग द फर्स्ट मेथड, माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स बन जाएगा, माइनस टू, अगेन यहाँ से कॉमन एक्स एक्स माइनस टू, यहाँ से कॉमन वन एक्स माइनस टू, सो थ्री फैक्टर्स आर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। सो फैक्टर थ्योरम के साथ फैक्टराइज करने के लिए वी हैव टू फॉलो दी थ्री स्टेप्स। पहले हिट एंड ट्रायल के साथ यहाँ पे कुछ भी पुट करते जाना है इस गिवन पॉलिनोमियल में, एक्स को कभी वन कभी माइनस वन कभी टू माइनस टू कुछ भी पुट कर सकते हैं। उसको चूज करना है जिससे पुट करने पे हमारे पास वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो आ जाए, वही फिर फैक्टर बनेगा ना। एक्स माइनस वन, अगर एक्स इक्वल्स टू प्लस वन पुट किया था एक्स माइनस वन फैक्टर होगा, अगर एक्स इक्वल्स टू प्लस टू पुट किया था एक्स इक्वल्स एक्स माइनस टू हमारा फैक्टर आ जाएगा। इस वे में सेकेंड स्टेप हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन के साथ, डिवाइड कर देंगे जो फैक्टर आ गया उसको गिवन पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड। आफ्टर दैट जो क्वोशेंट आ गया डिवाइजर इंटू क्वोशेंट लिख लेंगे, यहाँ से फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा के दूसरे दो फैक्टर्स फाइंड आउट।